Next, flowers are useful. We eat flowers like broccoli and chlorophyll as food. ये जो हमें क्या क्या खाते हैं फ्लावर में, ब्रोकली एंड क्लोरोफिल फूड, राइट? ये हम दोनों यूज करते हैं खाने में. फ्लावर्स आर यूज फॉर डेकोरेशन इन मैरिजेस, पार्टीज एंड इन आवर होम. ये जो फ्लावर है डेकोरेशन में यूज होता है, यानी कि मैरिज होता है, पार्टीज होती है हमारे घर पे, है ना, उसके अंदर. सम वुमेन वियर फ्लावर्स ऑन देयर हेयर. काफी सारी वुमेन्स है वो अपने हेयर में फ्लावर्स डालती है. फ्लावर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग गार्डनिंग. ये जो फ्लावर है वो किसके अंदर होता है, गार्डनिंग के अंदर. दे पेटल्स ऑफ फ्लावर्स लाइक रोज एंड जैस्मिन आर यूज टू मेक अ परफ्यूम्स एंड ऑयल्स. ये जो हमारा पेटल्स फ्लावर है रोज एंड जैस्मिन, वो परफ्यूम और ऑयल के अंदर यूज किया जाता है. वी डेकोरेट फ्लावर्स ऑफ आवर हाउस विथ फ्लावर पैटर्न्स कॉल्ड रंगोली. अब जब हम रंगोली बनाएंगे फ्लावर फ्लोर पे, तब उसमें हमें ये फ्लावर का यूज करेंगे. हनी इज मेड फ्रॉम द नेक्टर सक्टेड बाय द बीज फ्रॉम अ फ्लावर. इसका जो ये हनी हमारा है वो इसके अंदर भी हम उस यूज कर सकते हैं, बीज. फ्लावर डिजाइंस आर ऑल्सो सीन द वॉल्स ऑफ हाउसेस एंड माउंटेन्स लाइक द ताज महल. ये जो फ्लावर है उनकी डिजाइन हम वॉल में भी, हमारे घर में वॉल में भी कर सकते हैं, माउंटेन लाइक ताजमहल, राइट. वी कैन ऑल्सो फाइंड देम ऑन पॉट्स, क्लॉथ्स एंड मेनी अदर थिंग्स. हम किसके अंदर कर सकते हैं यूज, पॉट्स के अंदर रख सकते हैं, क्लॉथ के अंदर, है ना, और मेनी अदर थिंग्स, और काफ़ी सारी चीज के अंदर भी हम रख सकते हैं. नेक्स्ट, सॉरी, फ्लावर्स आर ऑल्सो यूज फॉर वॉशपेकिंग एंड आर ऑफर्ड इन टेम्पल्स. अब हम आपने देखा होगा कि टेम्पल के अंदर काफ़ी सारे जो भगवान के ऊपर चढ़ते हैं फूल, तो हम उसके भी अंदर ये क्या कर सकते हैं, माला बना के उसके अंदर चढ़ा सकते हैं, राइट. नेक्स्ट टॉपिक, फॉरेस्ट. फॉरेस्ट सेल्स कट फ्लावर्स. ये जो फ्लोरिस्ट होता है वो फ्लावर को कट करता है. ही इज एन एक्सपर्ट इन द आर्ट ऑफ अरेंजिंग फ्लावर्स. ये फ्लावर के अंदर इतना एक्सपर्ट होता है कि जो फ्लावर को वो अरेंज करता है. ही सेल्स वेरियस टाइप ऑफ फ्लावर्स. सम ऑफ देम आर अवेलेबल लोकेलिटी वेयर, वाइल मेनी ऑफ देम कम फ्रॉम फार अवे सिटीज और इवन आउटसाइड इंडिया. आपने देखा होगा कि आपकी लोकेलिटी में कहीं सारे सिटी में या तो आउटसाइड सिटी में, यानी कि आउटसाइड इंडिया के बाहर काफ़ी सारे फ्लावर हमें को पाया जाता है. द कॉस्ट ऑफ फ्लावर्स वेरियस डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी एंड सीजन्स. फ्लावर का जो कॉस्ट होता है वो डिपेंड करता है सीजन के, ये कौन से सीजन में कौन सा फ्लावर आ रहा है. अगर बिना सीजन के जो फ्लावर लेने जाए हम लोग, तो हमें काफ़ी सारा कॉस्टली पड़ सकता है, तो हम सीजन के हिसाब से ही फ्लावर खरीदेंगे. एल्कबेना इज द जापानीज आर्ट ऑफ अरेंजिंग फ्लावर्स. ये जो एल्कबेना जापानीज है वो फ्लावर को अरेंज करता है. नेक्स्ट टॉपिक, पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट. टेयरली मैन लिव फॉरेस्ट. अभी काफ़ी कई सारे जो मैन है वो फॉरेस्ट के अंदर रहता है. ही गोट फूड बाय आइदर ह्यूमिंग एनिमल्स और बाय गैदरिंग विल्ड फ्रूट. ये जो है वो ये वाला है ना, तो फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, खाने के लिए तो कुछ चाहिए होगा ना, तो वो क्या करता है, हंटिंग एनिमल्स, यानी कि जो एनिमल्स होता है वो, और गैदरिंग वाइल्ड फूड, ये जो वाइल्ड वाला फ्रूट आता है वो खाता है. सम पीपल लिव इन फॉरेस्ट इवन टूडे. काफ़ी सारे लोग जो फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं घूमने के लिए. दे आर कॉल्ड ट्रिबल्स और एडिवासिस. तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रिबल्स एंड एडिवासिस. ट्रिबल पीपल ईट वाइल्ड फ्रूट एंड नट्स. ये जो ट्रिबल पीपल होता है वो क्या खाता है, वाइल्ड फ्रूट एंड नट्स. दे ऑल्सो ईट सम रूट्स एंड स्टीम्स. ये जो है वो ईट को क्या करता है, रूट को स्टीम करता है, राइट. मुआ इज एन इम्पोर्टेंट ट्री फॉर देम. दे ईट इट्स फ्लावर, यूज इट्स लीव्स फॉर वेरियस पर्पज एंड मेक अ ड्रिंक एज वेल. फॉरेस्ट प्रोवाइड द ट्रिबल विथ फूड वाटर मटेरियल्स फॉर एवरी डे लिविंग एंड ए होम. ये जो मुहा है वो इम्पोर्टेंट ट्री है फॉरेस्ट के अंदर, तो जो ये फ्लावर है वो वेरियस पर्पज के अंदर वो यूज करता है ड्रिंक में,
ओके। और जो ये फॉरेस्ट है वो ट्रिबल्स विथ फूड एंड जो उनका मटीरियल वॉटर एवरी डे लिविंग एट अ होम हमारे घर पे वो रख सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैन इज डिस्ट्रॉइंग द फॉरेस्ट बाय कटिंग देम टू क्लियर लैंड फॉर अ कंस्ट्रक्शन एंड एग्रीकल्चर। अनफॉर्चुनेटली यानी कि कोई भी हमें परमिशन के बगैर हम कोई भी फॉरेस्ट के अंदर कोई भी कट करेंगे ट्री तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन एंड एग्रीकल्चर से। दिस इज मेकिंग थाउजेंड्स पोल्ट्री बल होमलेस एंड लिविंग देम विदाउट फूड एंड शेल्टर। ये जो हमारा क्या है ट्रिबल्स होमलेस लिविंग है उनको थाउजेंड्स ऑफ फूड एंड सेक्टर भी मिलता है। सो स्टूडेंट्स आवर लेसन नंबर 8 इज कंप्लीटेड।